चलिए दोस्तों करते हैं स्टार्ट ऑड टू ऑटम बाय जॉन कीट्स। देखिए फर्स्ट पार्ट जो है हमने कंप्लीट कर लिया था ऑड टू ऑटम पोएम का, इसके बाद में अब हम आगे बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट के ऊपर, ठीक है। और तीन पार्ट्स में ये पूरी पोएम डिवाइडेड है, मीनिंग्स लिख लिए थे, डायरेक्ट पढ़ना स्टार्ट करना है। देखिए जॉन कीट्स यहाँ पर कह रहे हैं, हु हैज़ नॉट सीन दी ऑफन अमिड द स्टोर, समटाइम्स हु एवर सीक्स अब्रॉड मे फाइंड दी सिटिंग केयरलेस ऑन अ ग्रेनरी फ्लोर। अब देखिए सिंपल सा यहाँ पे जो है सिंपल सी लाइन लिखी हुई है और सिंपल सा इसका मीनिंग है, आराम से अगर आप पढ़ोगे तो ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। पहले पार्ट में उन्होंने ऑटम सीजन और उसका फ्रेंड मैच्योरिंग सन दोनों मिलकर के क्या प्लान कर रहे होते हैं और क्या काम करते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा। अब सेकेंड पैराग्राफ में यहाँ पर अपने को जो है ऑटम सीजन का पर्सोनिफिकेशन देखना है, यानी जॉन कीट्स ने ऑटम सीजन को पर्सोनिफाई किया है अलग अलग तरीके से। जैसे कि अपन ने बात की थी सबसे पहले वुमेन फार्मर के रूप में, महिला कृषक के रूप में, फिर ग्लीनर के रूप में, है ना, फिर महिला वुमेन फार्मर के रूप में, तो किस किस रूप में और क्या क्या पर्सोनिफिकेशन है वो अब अपने को सेकेंड पार्ट में पढ़ना है। तो देखो अगर एक पर्सन के रूप में हमें ऑटम सीजन को अगर देखने का मौका मिले तो ऑटम सीजन अपने को क्या क्या करती हुई मिलेगी और कहाँ मिलेगी। देखिए जॉन कीट्स लिखते हैं, Who has not seen thee often amid thy store? कि ऐसा कौन व्यक्ति होगा जिसने तुम्हें जो है तुम्हारे स्टोर के नज़दीक नहीं देखा होगा, यानी खेत में तुम्हारे स्टोर के नज़दीक या पूरे वातावरण में, प्रकृति में ऐसा कौन व्यक्ति होगा जिसने पूरे वातावरण में, पूरी प्रकृति में तुम्हें कहीं देखा नहीं होगा। Sometimes whoever seeks abroad may find, कभी कभी whoever कोई भी व्यक्ति अगर तुम्हें जो देखना चाहता है, सीक्स अब्रॉड अगर वो अपने घर से बाहर निकले, ही मे फाइंड यू, तो वो व्यक्ति जो है तुम्हें ढूंढ सकता है, यानी कि तुम उसे मिल सकती हो। पहले तो ऊपर वाली लाइन में उन्होंने क्या कहा कि ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने तुम्हें पूरे वातावरण में कहीं पर या किस इस पूरी प्रकृति में तुम्हें कहीं देखा नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। किसने नहीं देखा है, सभी ने देखा है। और अगर किसी ने नहीं देखा है और वो व्यक्ति अगर अपने घर से बाहर निकले, तो अपने घर से बाहर जब वो निकलेगा तो उसे तुम आसानी से देखती हुई मिल या दिखती हुई आसानी से मिल जाओगी, यानी अगर वो व्यक्ति अपने घर से बाहर निकले तो वो तुम्हें आसानी से ढूंढ सकता है, आसानी से तुम उसे नज़र आ सकती हो। और कहाँ पर नज़र आओगी तुम उसे, वो देख सकता है तुम्हें, दी सिटिंग केयरलेस ऑन अ ग्रेनरी फ्लोर, एक ग्रेनरी फ्लोर एक अनाज के खेत में तुम जो हो उसे बहुत ही केयरलेसली यानी कि लापरवाही से, बिल्कुल जो है बिना किसी चिंता के, बिना किसी टेंशन के, एकदम जो है खुशी से बैठी हुई नजर आ सकती हो। कहाँ पर, एक अनाज के खेत में, यानी किसने तुमको नहीं देखा है, सभी लोगों ने देखा है, क्वेश्चन मार्क किया है ना, तो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, रिटोरिकल क्वेश्चन, तो किसने नहीं देखा है। अब पोइट यहाँ इस क्वेश्चन के माध्यम से हमसे आंसर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ हमें ये बता रहे हैं वो किसने नहीं देखा है, ऑटम सीजन को हम सभी ने देखा है। और अगर किसी व्यक्ति ने नहीं देखा है और या फिर कोई व्यक्ति अगर तुम्हें देखना चाहता है तो वो अगर अपने घर से बाहर निकले तो बाहर निकल करके किसी खेत के नज़दीक अगर जाए तो वो खेत में तुम्हें ढूंढ सकता है, पा सकता है, और खेत में जब वो देखेगा तुम जो हो ऑटम सीजन, उसे एक अनाज के खेत में केयर फ्री यानी कि बिना किसी चिंता के, टेंशन फ्री होकर के बैठी हुई खुशी से, आराम से मिल जाओगी। ये पहला पर्सोनिफिकेशन है ऑटम सीजन का, यानी कि ऑटम सीजन एक महिला कृषक के रूप में, वुमन फार्मर के रूप में, एक अनाज के खेत में बैठी हुई अपने को मिल जाएगी। ये पहला पर्सोनिफिकेशन है, ठीक है। और क्या कर रही होगी खेत में बैठ करके, उससे पहले एक अलग लाइन है, दाई हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द विनोइंग विंड, और खेत में जब वो व्यक्ति तुम्हें देखेगा तो उस समय तुम उसे कैसे नजर आओगी, जो खेत में अनाज को फटकते हुए जब हवा चल रही होगी तो अनाज को फटकती हुई चलती हुई वो हवा जो है तुम्हारे बालों को भी जो है बहुत ही कोमलता से उड़ा रही होगी हवा में,
यानी कि जो अनाज को फटकती हुई जब हवा चलेगी ना खेत में, तो वो तुम्हारे बालों को, अब तुम खेत में बैठी हुई हो, अब खेत में बैठी हुई होगी तो जाहिर सी बात है जब हवा चलेगी तो तुम्हारे बाल भी हवा में उड़ेंगे। तो इस प्रकार कोई व्यक्ति अगर तुम्हें देखना चाहता है तो वो घर से बाहर निकले, और घर से बाहर निकल करके किसी खेत के नज़दीक अगर जाए तो वहाँ तुम उसे खेत में जो है बैठी हुई केयरलेसली आराम से मिल जाओगी, और जब हवा चलेगी तो तुम्हारे बाल भी जो है उस व्यक्ति को उड़ते हुए नज़र आएंगे। इस तरह से कोई भी व्यक्ति तुम्हें देख सकता है। और या फिर ऑन अ हाफ रीप्ड फरो साउंड अस्लीप, या फिर कोई व्यक्ति तुम्हें इस प्रकार भी देख सकता है, यानी कि कई बार तुम इस प्रकार से भी जो है देखी जा सकती हो कोई व्यक्ति अगर तुम्हें ढूंढना चाहे तो। कैसे देखी जा सकती हो? ऑन अ हाफ रीप्ड फरो, आधी कटी हुई फसल के ऊपर, मतलब तुमने खेत को जो है आधा काट दिया है, मतलब आधी, जैसे पूरा का पूरा खेत है तो पूरे खेत में आधे खेत की फसल तुमने काट दी है, और उस कटी हुई फसल के ऊपर जो है तुम सिर रख करके गहरी नींद में सोते हुए भी किसी व्यक्ति को मिल सकती हो। या तो कहाँ मिलोगी? खेत में आराम से खुशी से बैठी हुई आराम से मिल जाओगी केयरलेसली, और तुम्हारे बाल जो है हवा में उड़ रहे होंगे। या फिर अगर कोई व्यक्ति तुम्हें ढूंढना चाहता है, तुम्हें देखना चाहता है, तो तुम किसी खेत में आधी कटी हुई, जो खेत की आधी फसल तुमने काटी है, उस कटी हुई फसल के ऊपर सिर रख करके गहरी नींद में सोती हुई किसी भी व्यक्ति को मिल जाओगी। ये है ऑटम सीजन। इस तरह से ऑटम सीजन को अपन देख सकते हैं। तो आप जाइएगा, अभी ऑटम सीजन जब आए तो इधर बाहर जब आप निकलोगे या फिर उधर जब निकलोगे तो बहुत सारे खेत आपको मिल जाएंगे। तो उन खेत में अगर कोई लेडी सो रही हो, कहीं जा कर के कोई लेडी काम करती हुई मिल जाए, तो ऑटम सीजन, यू आर ऑटम राइट, ठीक है, जा करके बोल देना आप ऑटम सीजन हो ना। नहीं नहीं मैं तो रुक्मणी बाई हूँ। अरे नहीं नहीं रुक्मणी बाई, ऑटम सीजन तो होना, लेकिन आप जून मत बोलो, मैंने किताब में पढ़ा था आप ऑटम सीजन हो। मैंने बुक में पढ़ा था, हमारे जॉन कीट्स की जो है, जॉन कीट्स ने लिखा था कि ऑटम सीजन में मैं आया हूँ किसी भी खेत में, आप जो है केयरलेसली यहाँ बैठी हुई थी, मैंने देखा था आपको, जून मत बोलो ऑटम सीजन हो आप, और आपके बाल भी उड़ रहे थे हवा में ऐसे। या फिर कहीं कोई, या तो हो सकता बैठी हुई मिल जाए, या फिर सोती हुई मिल जाए खेत में फसल के ऊपर, है ना, सिर रख करके, तो उसके पास भी अगर कोई सोती हुई महिला मिल जाए तो यू आर ऑटम सीजन राइट। आंटी जी उठो 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 उठो, यू आर ऑटम सीजन राइट। तो इस तरह से अगर आप ऑटम सीजन को अगर देखना चाहते हो तो इस तरह से जो है आप निकलो घर से बाहर, और इस तरह से ऑटम सीजन आपको जो है खेत में एक महिला कृषक के रूप में काम करते हुए मिल जाएगी, या तो बैठी रहेगी या फिर गहरी नींद में सोती रहेगी। ड्राउज्ड, अब सोती क्यों रहेगी गहरी नींद में? वो इसलिए ड्राउज्ड विद द फ्यूम ऑफ पॉपीज, क्योंकि आसपास खेत में अफीम की गंध की वजह से हो सकता है तुम्हें सुस्ती आ जाए। भाई अफीम की जो गंध होती है ना, अफीम में क्या होता है कि नशा होता है दोस्तों, है ना, तो उसकी गंध जब होती है तो नशा हो जाता है इंसान, जैसे वो शराब वगैरह पीने से सुस्ती आ जाती है ना, फिर लोग तो बस वही सिचुएशन जो है, अफीम की खेती करने वाले लोग जो होते हैं उनको लाइसेंस दिया जाता है, और वो जो है डोडा पोस, वो डोडे आते हैं उस पर अफीम में, अफीम की फसल के ऊपर, तो उसका यूज़ जो है ऐसे इस तरह की चीज़ों के लिए किया जाता है, औषधि के रूप में भी होता है उसका इस्तेमाल, अफीम वगैरह, तो इलीगल माना जाता है बिना लाइसेंस के खेती करना अफीम की। तो इस तरह से आसपास के खेत में किसी अफीम की गंध की वजह से हो सकता है तुम्हें सुस्ती आ जाए, और सुस्त होकर के हो सकता है तुम जो है उस सुस्ती की वजह से गहरी नींद में उस कटी हुई फसल के ऊपर से रख कर के सोती हुई मिल जाओ। तो सोती हुई क्यों मिलोगी? अफीम की गंध की वजह से तुम्हें सुस्ती आ जाएगी, और इस वजह से तुम जो है गहरी नींद में सो जाओगी। एंड व्हाइल दाई हुक स्पेयर्स द नेक्स्ट स्वॉथ, और ऐसी कंडीशन में अगर तुम फसल काटने की अगर कोशिश भी करोगी, ऐसी कंडीशन में जब तुम बहुत ज़्यादा सुस्त हो, तुम बहुत ज़्यादा सुस्ती तुम्हें आ रही है अफीम की गंध की वजह से, और ऐसी कंडीशन में जब फसल काटने की तुम कोशिश करोगी, वाइल दाई हुक, तो तुम्हारा जो हसिया है स्पेयर्स द नेक्स्ट स्वेट, जिस फसल को तुम काट रही होगी हो सकता है उस सुस्ती की वजह से तुम्हारा हसिया उस फसल को काटने से चूक जाए, स्पेयर कर दे, यानी कि
अब देखो फसल तो काट रही है, थोड़ी बहुत तो काट ली, और हो सकता है अगला वार जब वो अपने हसीये से करने लगे तो वो हसिया उसका चूक जाए, है ना। तो ऐसी कंडीशन में कोई भी व्यक्ति तुमको काम करते हुए खेत में देख सकता है अगर वो अपने घर से बाहर निकले तो। तो अफीम की गंध की वजह से तुम इतनी सुस्ती से भर जाओ कि या तो तुम जो है गहरी नींद में सो रही हो या फिर तुम्हारा हसिया जो है किसी फसल को काटते हुए चूक जाए, इस तरह से तुम नजर आ सकती हो किसी भी व्यक्ति को जो तुम्हें देखना चाहता है। एंड ऑल इट्स ट्विन फ्लावर्स, किसको, फसल को, और फसल पे लगे हुए जो ट्विन फ्लावर्स हैं इंटेंगल्ड विद कॉर्न, यानी कि फसल के ऊपर लगे हुए जो फ्लावर्स आते हैं ना, देखो नीचे की फसल को तो नीचे से काटते हैं और ऊपर जो फ्लावर्स होते हैं वो उस फसल में जो है ऐसे उलझे हुए से रहते हैं, तो तुम जब उसको काटने लगो तो तुम्हारा जो है वार चूक जाए, और इस तरह से जो है किसकी वजह से, सुस्ती की वजह से, अफीम की गंध की वजह से सुस्ती में तुम इतना खो जाओ या सुस्ती तुम्हारे ऊपर इतनी चढ़ जाए, उसका असर इतना चढ़ जाए कि तुम्हारा वार जो है उस फसल को काटने से चूक जाए। इस प्रकार से खेत में काम करते हुए कोई भी व्यक्ति तुमको जो है देख सकता है अगर वो घर से बाहर निकल करके किसी खेत के नज़दीक अगर जाए ऑटम सीजन में तो। और क्या करती हुई मिल जाओगी तुम, एंड समटाइम्स, या फिर अगर कोई व्यक्ति तुम्हें देखना चाहता है अगर, तो वो कभी कभी तुम्हें एक ग्लीनर के रूप में भी पा सकता है। सिमिली आई है यहाँ पर, एक ग्लीनर के तरह भी तुम देखी जा सकती हो। ग्लीनर का मतलब होता है फसल को काटने के बाद इकट्ठा करके, और जो महिलाएं अपने सिर पे गट्ठर रख करके लेती जाती हुई आपको जो नज़र आती है उसको बोलते हैं ग्लीन करना, है ना। काटने वाले लोग अलग होते हैं, कई बार भाई जिनके मजदूर ज़्यादा हैं तो काटने वाले अलग होते हैं और ले जाने वाले अलग होते हैं, या जिनके मजदूर नहीं हैं तो काटते भी बेचारे खुद ही हैं, और काटने के बाद वो जो है आपने देखा होगा एक इकट्ठा कर लेते हैं, गट्ठर बांध देते हैं, है ना, और फिर उसके बाद में उस गट्ठर को सिर पर रख करके ऐसे ले जाते हैं, तो वो काम होता है ग्लीनर का, है ना। फसल काटना वो अलग चीज़ है, तो वुमेन फार्मर, अब ये सेकेंड पर्सोनिफिकेशन हो गया ग्लीनर के रूप में, है ना। सबसे पहला पर्सोनिफिकेशन वुमेन फार्मर के रूप में खेत में काम करती हुई मिल जाओगी, खेत में केयरलेसली बैठी हुई होगी, तुम्हारे बाल जो है हवा से उड़ रहे होंगे, या फिर कटी हुई फसल के ऊपर सिर रख करके गहरी नींद में तुम सो रही होगी, या फिर खेत में काम करते हुए अफीम की गंध की वजह से हो सकता है तुम्हारे ऊपर सुस्ती का प्रभाव चढ़ जाए, और सुस्ती के उस प्रभाव से जब तुम फसल काटो तो तुम्हारा वार जो है चूक जाए। इस तरह से कोई भी व्यक्ति जो है तुम्हारे नज़ारे देख सकता है, तुम्हारी झलक देख सकता है अगर वो घर से बाहर निकले तो। और एंड समटाइम्स लाइक अ ग्लीनर दाउ डज कीप स्टेडी thy leaden हेड अक्रॉस a brook, या फिर अगर कोई व्यक्ति तुम्हें देखना चाहे तो तुम इस प्रकार से भी उसको नजर आ सकती हो, क्या करते हुए, एक ग्लीनर की तरह, यानी फसल को काट करके उसे इकट्ठा करने वाली जो महिलाएं होती है उन महिलाओं की तरह भी जो है तुम किसी व्यक्ति को दिख सकती हो। और ऐसे फॉर्म में तुम क्या कर रही होगी, यानी कि एक ग्लीनर के रूप में तुम क्या कर रही होगी खेत में, Thou does keep steady thy leaden head across a brook, खेत में हो सकता है अगर कोई व्यक्ति तुमको देखे और तुम ग्लीनर के रूप में जब उसे नजर आओ तो हो सकता है कि तुम अपने सिर के ऊपर उस गट्ठर को रख कर के जब आगे बढ़ोगी, जब जा रही होगी, तो तुम्हारे लदे हुए सिर के ऊपर उस गट्ठर को देख करके वो व्यक्ति जो है हो सकता है तुम्हें सीधे अपने सिर को रख करके तुम्हें आगे बढ़ता हुआ वो व्यक्ति देख रहा हो, और तुम कहाँ जा रही हो, किसी नाले को पार करके तुम अपने घर की तरफ जा रही हो। वापस से देखिए इस लाइन को, अगर एक व्यक्ति घर से बाहर निकले तो ग्लीनर के रूप में तुम क्या करती हुई मिलोगी तुम उसे, जब तुम अपनी फसल काट चुकी होगी तो फसल काटने के बाद जब तुम उसको इकट्ठा करोगी, तो इकट्ठा करने के बाद जब महिलाएं अपने सिर पर रख करके उस गट्ठर को जा रही होती है तो एक ग्लीनर के रूप में भी तुम उसको व्यक्ति को देखती हुई या दिखती हुई मिल जाओगी इस प्रकार से काम करते हुए। और क्या कर रही होगी तुम, उस गट्ठर को अपने सिर पर रख करके, यानी अपने लदे हुए सिर को बिल्कुल सीधा रख करके जा रही होगी, कहाँ पर, अक्रॉस अ ब्रूक, खेत में जो नाला वगैरह होता है ना, देख खेत में क्या होता है कि पानी वगैरह के लिए वो माइनर बनाते हैं ना, छोटे छोटे से पानी लाने के लिए, ताकि हाँ हाँ धोरे वो जो भी होता है वो, तो
हाँ माइनर वगैरह कुछ भी बोल सकते हैं, छोटा सा, कोई बड़ी नदी नहीं, छोटा सा, सिंचाई के लिए, ताकि पानी पूरे खेत में पहुँचे। तो उस माइनर को पार करती हुई तुम जा रही होगी इस तरह से, है ना। तो इस प्रकार से एक ग्लीनर के रूप में तुम अपने सिर के ऊपर उस फसल को रख कर के अपने लदे हुए सिर से जो है एक नाले को पार करते हुए अपने घर की तरफ जा रही होगी। क्या करते हुए? लदे हुए सिर को, यानी कि लदे हुए सिर को सीधा रख कर के नाले को पार करती हुई तुम जाती हुई मिल जाओगी। ये काम होता है एक ग्लीनर के रूप में ऑटम सीजन का, ठीक है। तो वुमेन फार्मर के रूप में क्या काम हो गया देख लिया आपने, और ये है ग्लीनर के रूप में। ग्लीनर के रूप में कटी हुई फसल को इकट्ठा करके अपने सिर पे रख करके, लदे हुए सिर को बिल्कुल सीधा रख करके तुम नाले को पार करती हुई अपने घर की तरफ जाती हुई मिल जाओगी किसी भी व्यक्ति को जो तुम्हें देखना चाहता है ऑटम सीजन में, ठीक है। तो ये दो पर्सोनिफिकेशन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं, पहले वुमेन फार्मर के रूप में, उसके बाद में रीपर के रूप में, रीपर फसल काटने वाली महिला के रूप में, और ये थर्ड हो गया है ग्लीनर के रूप में, ठीक है। तीन कंपैरिजन्स हो चुके हैं, मतलब तीन पर्सोनिफिकेशन्स हो चुके हैं। अब देखो, कई बार क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है आपके कि भाई यहाँ पर इस पोएम में जॉन कीट्स ने ऑटम सीजन के जो पर्सोनिफिकेशन्स के फॉर्म हैं वो कौन कौन से हैं, उनको लिखिए। कई बार क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है। तो ये तीनों चारों पॉइंट्स आपको याद रखना है, ध्यान रखना पर्सोनिफिकेशन के। सबसे पहले पर्सोनिफिकेशन एज अ वुमन फार्मर, और वुमन फार्मर के रूप में उसका क्या काम होता है, वो खेत में केयरलेसली बैठी हुई मिल जाती है और अनाज को फटकती हुई हवा जब चलती है तो वो उसके बालों को उड़ा रही होती है, ठीक है। या फिर कई बार वो अपने को सोती हुई भी मिल जाती है खेत में गहरी नींद में। ये तो है वुमन फार्मर की डिटेल। अब रीपर के रूप में जो पर्सोनिफिकेशन है वो सेकंड पॉइंट बन जाएगा आपका, पर्सोनिफिकेशन एज अ रीपर। एज अ रीपर के रूप में ऑटम सीजन कैसी मिलती है अपने को खेत में, खेत में फसल काटती हुई मिलती है, और कई बार पोपीज की गंदगी वजह से जो है सुस्ती उनके ऊपर इतनी चढ़ जाती है कि जब वो फसल काट रही होती है तो कई बार उनका वार जो है वो चूक जाता है। तो ये सेकंड पर्सोनिफिकेशन की डिटेल हो गई। इसके बाद में थर्ड पर्सोनिफिकेशन में आपको लिखना है पर्सोनिफिकेशन पर्सोनिफाइड एज अ ग्लीनर, और ग्लीनर के रूप में क्या करते हुए मिलती है ऑटम सीजन अपने को, खेत में कटी हुई फसल को इकट्ठा करके गट्ठर बना के जो है वो अपने सिर पे रखती है और अपने लदे हुए सिर से जो है उस फसल को लेकर के नाले को पार करती हुई जाती हुई अपने को घर की तरफ मिल जाएगी। ये तीन पर्सोनिफिकेशन और तीनों की डिटेल्स हो गई कंप्लीट, ठीक है। अब देखते हैं आगे। अब जो है फोर्थ जो कंपैरिजन है, मतलब फोर्थ जो पर्सोनिफिकेशन है वो एक मैन फार्मर का है, पुरुष का, है ना। तीन पर्सोनिफिकेशंस तो महिला के रूप में हो गए, वुमन फार्मर, रीपर एंड ग्लीनर, और फोर्थ जो पर्सोनिफिकेशन है ऑटम सीजन का वो एक पुरुष के रूप में है। पुरुष कौन सा? फार्मर, कृषक, है ना, फार्मर मैन। तो एक मैन फार्मर के रूप में भी तुम कभी कभी ऑटम सीजन जो है देखी जा सकती हो किसी व्यक्ति को, अगर जो भी बाहर निकल करके तुम्हें देखना चाहे तो तुम कैसे मिल सकती हो उस व्यक्ति को। और या फिर अगर कोई व्यक्ति तुम्हें देखना चाहता है बाय अ साइड ऑफ प्रेस, तो कई बार तुम खेत में एप्पल से एप्पल की जो मशीन होती है रस निकालने की, तो कई बार कोई व्यक्ति अगर तुम्हें देखना चाहे तो एक पुरुष कृषक के रूप में भी वो तुम्हें देख सकता है। एक पुरुष कृषक के रूप में भी कई बार वो ऑटम सीजन तुम देखने को मिल जाती हो। और क्या कर रही होती हो तुम मेल फार्मर के रूप में, मैन फार्मर के रूप में, किसी एप्पल से रस निकालने वाली किसी मशीन के नज़दीक बैठी हुई तुम आराम से मिल सकती हो किसी व्यक्ति को, एंड विद पेशेंट लुक, और बहुत ही धैर्य के साथ, विद पेशेंट लुक, बहुत ही धैर्य के साथ जो है दाउ वॉचेस्ट, तुम देख रही होती हो क्या द लास्ट ओजिंग्स आर्स बाय आर्स, कई घंटों तक उस एप्पल की मशीन से रस निकलते हुए घंटों तक तुम जो है धैर्य के साथ उस रस को टपकते हुए देखती रहती हो। ये चौथा पर्सोनिफिकेशन हो गया मेन फार्मर के रूप में ऑटम सीजन का। अब क्या है ये, यानी कि अगर कोई व्यक्ति तुम्हें देखना चाहे ना, अगर कोई व्यक्ति तुमको देखना चाहे तो तुम जो हो मेन फार्मर के रूप में भी उसे काम करती हुई खेत में मिल जाओगी। और कैसे मिलेगा मेन फार्मर के रूप में ऑटम सीजन,
कई बार जैसे मान लो कहीं किसी व्यक्ति ने जो है एप्पल की मान लो उसके बहुत सारे एप्पल के बाग वगैरह हैं, और एप्पल से अगर मान लो उसके पास अगर खेत में उसने एप्पल से रस निकालने की, एप्पल का जूस निकालने की अगर मशीन अपने खेत में रख रखी है, और उसमें वो क्या करता है कि एप्पल डाल देता है बहुत सारे, और फिर एप्पल डालने के बाद में वो बैठ जाता है और धैर्य के साथ जो है घंटों तक उस लास्ट ओजिंग, जब तक पूरा रस नहीं निकल जाता उन एप्पल्स का, तो पूरे के पूरे रस को जो है निकलते हुए घंटों तक तुम देखते रहते हो मेन फार्मर के रूप में। और कब तक? जब तक कि अंतिम बूंदे भी जो है पूरी टपकती हुई समाप्त न हो जाए उन एप्पल्स की। तो इस रूप में भी जो है कई बार तुम देखे जा सकती हो ऑटम सीजन, एक मैन फार्मर के रूप में बहुत धैर्य के साथ तुम उस एप्पल की मशीन से निकलते हुए रस को बहुत ही धैर्य के साथ बैठ करके खेत में देखते रहते हो। और कब तक देखते हो? जब तक कि उसकी अंतिम बूंदे टपकती हुई समाप्त न हो जाए। तो ये फोर्थ नंबर का पर्सोनिफिकेशन और ये उसकी डिटेल हो गई, ठीक है। तो चार पर्सोनिफिकेशन हैं इस तरह से, सबसे पहले वुमन फार्मर के रूप में, फिर रीपर के रूप में, फिर ग्लीनर के रूप में, और फिर मैन फार्मर के रूप में। और मैन फार्मर के रूप में तुम क्या करती हो? एप्पल की मशीन से निकलते हुए रस को धैर्य के साथ बैठ करके खेत में देखती रहती हो, ठीक है, जब तक कि अंतिम बूंदे भी समाप्त न हो जाए टपक करके। ये हमारा दोस्तों सेकेंड पार्ट कंप्लीट है इस तरह से यहाँ पर ऑटम सीजन का, ठीक है। फर्स्ट पार्ट मैच्योरिंग सन के साथ किस तरह से तुम काम करती हो, पहला पार्ट वो, दूसरा पार्ट पर्सोनिफिकेशन, और तीसरा पार्ट अब ऑटम सीजन के सॉन्ग्स के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। ऑटम सीजन के गीत क्या क्या हैं, ऑटम सीजन के सॉन्ग्स क्या क्या हैं, तो ये तीनों पार्ट्स के नाम भी बता दिए मैंने आपको, है ना। चलिए कोई बात नहीं, देखिए आगे आगे जॉन गेट्स कहते हैं, वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग कि ओ ऑटम सीजन, स्प्रिंग सीजन के गीत आखिर क्या है, स्प्रिंग सीजन जो होता है बसंत ऋतु जो होती है उसके गीत क्या होते हैं, कौन से हैं उसके गीत, ए वेयर आर दे, कहाँ हैं बसंत ऋतु के गीत, क्या होते हैं, कहाँ हैं वो, कौन से होते हैं बसंत ऋतु के गीत। अब बसंत पंचमी आने वाली अभी 26 जनवरी को, बहुत जल्दी आ गई इस बार तो 26 जनवरी को ही, हाँ 10-15 दिन लगभग पहले ही आ गई 26 जनवरी को, तो अभी बसंत ऋतु शुरू हो जाएगी, देखना आप स्प्रिंग सीजन आ जाएगा अभी। तो वो कहते हैं कि ओ ऑटम सीजन, मुझे बताओ कि स्प्रिंग सीजन के जो गीत हैं वो क्या हैं, वो कहाँ हैं, कौन से गीत स्प्रिंग सीजन के गीत होते हैं। तो फिर उसके बाद में वो कहते हैं, थिंक नॉट ऑफ देम, स्प्रिंग सीजन के जो गीत हैं उनके बारे में सोचना छोड़ दो, क्योंकि दाओ हैज़ दाई म्यूजिक टू, क्योंकि तुम्हारे पास भी तुम्हारा खुद का अपना संगीत है, उसके बारे में सोचो। स्प्रिंग सीजन के गीत कौन से हैं और कहाँ हैं वो गीत। फिर बाद में वो कहते हैं कि स्प्रिंग सीजन के गीत चाहे जो कोई भी हो, तुम उनके बारे में सोचना छोड़ो, क्योंकि तुम्हारे पास तो तुम्हारा अपना संगीत है भाई, तुम तो अपना खुद का म्यूजिक गुनगुनाओ, स्प्रिंग सीजन के म्यूजिक के बारे में क्यों सोच रही हो, तुम्हारे पास तो तुम्हारा अपना खुद का संगीत है। और क्या है ऑटम सीजन का संगीत, देखिए दोस्तों, While bared clouds bloom the soft dying day and touch the stubble plains with rosy hue, वो कहते हैं कि वेस्टर्न होराइजन पर जब सूर्यास्त हो रहा होता है, पश्चिमी क्षितिज पर जब सनसेट हो रहा होता है, तो सनसेट के टाइम पर सॉफ्ट डाइंग डे, सॉफ्ट डाइंग डे, अपने को कैसे पता लगा कि भाई सनसेट का टाइम है, सॉफ्ट डाइंग डे से पता लग रहा है, इस फ्रेज से पता लग रहा है। सॉफ्ट डाइंग डे का मतलब कोमलता से समाप्त होता हुआ दिन। तो वेस्टर्न होराइजन पर सॉफ्ट डाइंग डे जो होता है, यानी कि संध्या काल का जब समय होता है, जब सूर्यास्त हो रहा होता है, तो पूरे वेस्टर्न होराइजन पर जो है रोजी ह्यू फैला हुआ होता है। रोजी ह्यू मतलब लाल, जो लालिमा होती है, रोजी ह्यू, ह्यू का मतलब कलर, तो रोजी जो कलर होता है वो पूरे वातावरण में फैला हुआ होता है, और स्पेशली कहाँ पर, वेस्टर्न होराइजन पर। और वेस्टर्न होराइजन पर जब सनसेट हो रहा होता है, तो उस समय आकाश में जो बेयर्ड क्लाउड्स होते हैं, बेयर्ड का मतलब फैले हुए, आकाश में जो छितराए हुए बादल होते हैं, फैले हुए जो बादल होते हैं, जैसे कि आप सोच लीजिए कि भाई सनसेट हो रहा है, सूरज बस डूबने वाला है, और ऊपर आकाश में जो छितराए हुए से बादल होते हैं, जो फैले हुए जो बादल होते हैं,
चितराए हुए मतलब पूरी तरह से कवर नहीं कर रखा है उन्होंने, अलग अलग बीच बीच में थोड़ी थोड़ी स्पेस भी है उनके बीच में, है ना, बादलों के बीच में। तो अब वेस्टर्न होराइजन पर इस तरह से चितराए हुए जो बादल होते हैं अलग अलग जो बीच बीच में जिनकी स्पेस होती है, तो उनके बीच बीच में जब सूरज की रोशनी पड़ रही होती है तो देखा होगा आपने कई बार, जैसे मान लो बादल यहाँ पर है तो सूरज की रोशनी अपने जो नीचे डूब रहा है तो उसमें से निकलती हुई दिखाई देती है अपने को सूरज की रोशनी, यहाँ पे कवर रहते ही है और बीच में से जो है वो निकलती हुई दिखाई देती है अपने को, देखा होगा कई बार आपने, नहीं देखा, दिखा देते हैं, नहीं देखा तो देखो भाई क्या होता है कि जैसे ये वेस्टर्न होराइजन है, सपोज कीजिए अब सूरज यहाँ पे जो है अस्त हो रहा है, अब ऊपर जो है वो ऑटो इवनिंग वाली पोइम पढ़ी थी ना अपन ने, तो ये जैसे छतराए हुए से बादल हैं सपोज कीजिए, तो कई बार क्या होता है डूबता हुआ सूरज जैसे उसकी ये जो रोशनी होती है ना, तो वो कई बार सामने जो बादल होते हैं तो उन बादलों से टकरा करके ये आगे नहीं बढ़ पाती, और जहाँ पे स्पेस होता है उस जगह से ये रोशनी जो है ऊपर जाती हुई अपने को नजर आती है, देखना कई बार आप देखा है ना, कई बार आपने कई बार बादल जो रहते हैं तो बादलों से यहाँ पे और यहाँ पे तो वो रोशनी दब जाती है, लेकिन जहाँ पे गैप होता है वहाँ से जो है अपने को ऐसे लकीर दिखाई देती है सीधी की सीधी रोशनी की, तो ये होता है। तो इसको उन्होंने बोला है कि शाम के समय जब सूर्यास्त हो रहा होता है तो ये रोजी ह्यू जो है ये पूरे वातावरण में बिखरा होता है, रोजी ह्यू पूरे वातावरण में, किसकी वजह से, इन बादलों की वजह से, क्योंकि बादल क्या करते हैं उसको जो किरणें होती है उसको परावर्तित कर देते हैं, उसको जो है रिफ्लेक्ट कर देते हैं भाई, अगर बादल नहीं होंगे तो सीधा ऊपर जाएगी वो किरण है, लेकिन जब बादल होती हैं, जब बादल होते हैं तो बादल क्या करते हैं सूरज की उस रोशनी को रोजी ह्यू को जो है रिफ्लेक्ट कर देते हैं, और रिफ्लेक्ट होकर के वो रोशनी कहाँ पड़ रही होती है, नीचे धरातल के ऊपर, जैसे सपोज करो किसी खेत में फसलें उगी हुई है अगर, तो ये सूरज की रोशनी जो है इस बादल से टकरा करके जो है नीचे फसलों के ऊपर का जो ऊपरी हिस्सा होता है इस ऊपरी हिस्से पे जो है पड़ रही होती है, इससे परावर्तित होकर के, इससे रिफ्लेक्ट होकर के इन फसलों के ऊपरी हिस्से पर जो है वो पड़ रही होती है और इनको भी रोजी बना रही होती है ना, पूरा वातावरण पूरा धरातल जो है उस रोजी कलर से चमक रहा होता है, तो इसके बारे में बात कर रहे हैं वो। क्या कह रहे हैं देखिए, संध्या काल के समय जब सूर्यास्त वेस्टर्न होराइजन पर हो रहा होता है तो उस समय वाइल बेयर्ड क्लाउड्स ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे, तो उस समय आकाश में छतराए हुए जो बादल होते हैं वो सॉफ्ट डाइंग डे कोमलता से समाप्त होते हुए उस दिन की लालिमा को जो है चारों तरफ पूरे वातावरण में ब्लूम कर देते हैं, चारों तरफ जो है ये बादल उस अस्त होते हुए सूरज की रोशनी को पूरे वातावरण में जो है फैला देते हैं, पूरे वातावरण में रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, यानी इनसे टकरा करके रोशनी पूरे वातावरण में फैल रही होती है, कौन सा कलर, रोजी ह्यू। एंड टच द स्टबल प्लेन्स, और उन बादलों से वो टकरा करके जो है जो स्टबल प्लेन्स, प्लेन का मतलब समतल मैदान, तो समतल मैदानों पर मतलब नीचे धरती पर, नीचे धरातल पर, अब नीचे धरातल पर फसलों के ऊपरी हिस्से पर या कोई भी धरातल जहाँ पे समतल है वहाँ पर मकानों के ऊपर इस तरह से पूरे धरातल पर जो है वो रोशनी रिफ्लेक्ट होकर के आ रही होती है, और इस तरह से पूरा जो एटमॉस्फेयर है वो रोजी ह्यू में नहाया हुआ होता है, रोजी ह्यू में लिपटा हुआ होता है पूरा का पूरा वातावरण संध्या काल के समय सूरज की उस लाल रोशनी की वजह से, विद रोजी ह्यू पूरा वातावरण जो है इस तरह से सूरज की रोशनी जो है बादलों से टकरा करके पूरे वातावरण में फैल रही होती है, और इस तरह से पूरा वातावरण जो है पूरा एटमॉस्फेयर जो है रोजी ह्यू से कवर्ड हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में यानी कि कब, इवनिंग टाइम पर, इस समय जब पूरे वातावरण में रोजी ह्यू इस तरह से चमक रहा होता है चारों तरफ, जब ऐसा माहौल होता है इस टाइम पर, Then in a wailful choir the small gnats mourn, और ऐसे समय पर यानी संध्या काल के इस वातावरण में किसी स्थान पर से जो है जब बहुत सारे छोटे छोटे झिंगुर
शोक प्रकट करते हुए दुख भरी आवाज में जब अपना गीत गुनगुनाना शुरू करते हैं, कब? जब संध्या काल होती है, तब जब संध्या का समय होता है, जब सूर्यास्त हो रहा होता है वेस्टर्न होराइजन पर और उसकी लाल रोशनी जो है बादलों से टकरा करके पूरे वातावरण को रोजी बना रही होती है, लाल बना रही होती है, वो ग्लो जब पूरे वातावरण में फैला होता है, तो उस समय संध्या काल के समय किसी स्थान पर वातावरण में जब छोटे छोटे झुंगुर जब दुख से भरी हुई अपनी आवाज़ से गुनगुनाना शुरू करते हैं, आवाज़ निकालना शुरू करते हैं, गीत गाना जब शुरू करते हैं, कहाँ पर? अमंग द रिवर सेलोज, नदी के छिछले क्षेत्र में। जैसे सपोज कीजिए आसपास कोई नदी है तो उस नदी का जो छिछला क्षेत्र होता है, छिछला मतलब कम गहराई का, जहाँ पे गहराई कम होती है नदी की, यानी कि किनारे वाला, भाई ज़्यादा गहराई में जाओगे तो गहराई में चले जाओगे आप बहुत, तो छिछला जो क्षेत्र होता है जहाँ पे नदी की गहराई कम होती है, उस छिछले क्षेत्र पर बहुत सारे जो कीड़े मकोड़े हैं, जो छोटे छोटे झिंगूर हैं, वो संध्या काल के इस समय में जो है अपना दुख से भरा हुआ, वेलफुल, वेलफुल का मतलब दुख से भरा हुआ, वेलफुल का मतलब भी दुख से भरा हुआ होता है, और मौन करना मतलब शोक प्रकट करना, वेलफुल दुख से भरा हुआ अपना गीत जो है वो गुनगुनाना शुरू करते हैं। अब यार ये तो अपन कह नहीं सकते कि एग्जैक्टली दुख से भरा हुआ ही गीत गा रहे हो, है ना, अब उनका तो काम ही इसी तरह से गीत गाना है, तो क्या पता अगर खुशियों के भी गा रहे हों, लेकिन पोइट को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो जो उनका गीत है, क्योंकि उसमें ज़्यादा मेलोडियस साउंड नहीं है, तो दुख से वो भरा हुआ गीत गा रहे हों। अब क्या पता उनकी नज़र में तो वो जो है यही गीत गा रहे हों, झलक दिखला जा एक बार आ जा जा जा, है ना, क्या पता यही गा रहे हों, लेकिन हम लोग उसकी भाषा समझ नहीं सकते, तो अपने को उसकी आवाज़ वेलफुल लगती है, दुख से भरी हुई लगती है, तो इसीलिए अपन क्या सोच रहे हैं, भाई दुख से भरा हुआ गीत ही गा रहे हैं, वरना क्या पता उनमें भी कोई हिमेश रेशमिया, झुंगुरों का हिमेश रेशमिया जो है वो कोई गीत गा रहा हो, है ना, झुंगुरों का कोई अरिजीत सिंह कोई गीत गा रहा हो संध्या काल के समय, है ना, शाम भी कोई जैसे है नदी लहर लहर बन के बह रही है, है ना, तो उनमें से भी कोई ऐसा गीत गा रहा हो संध्या काल की जो है, जैसे वो ओड टू इवनिंग में विलियम कॉलिंस ने इवनिंग से रिक्वेस्ट की थी ना कि भाई मुझे भी जो है कंपोज करना सिखाओ म्यूज़िक, ताकि जब तुम आओगी तो मैं तुम्हारे स्वागत में गीत गाऊंगा, तो इनमें झिंगुरों का कोई विलियम कॉलिंस जो है ऐसे गीत गाना सीख गया हो और वो जो है संध्या काल का स्वागत कर रहा हो गीत गा करके, है ना, कुछ भी हो सकता है, लेकिन पोइट को क्या लगता है कि भाई दुख से भरा हुआ गीत गाना वो शुरू कर देते हैं, कहाँ पर? नदी के किसी छिछले क्षेत्र में बहुत सारे झिंगूर संध्या काल के समय जो है इस प्रकार से दुख से भरा हुआ अपना गीत गुनगुना रहे होते हैं, बोर्न अलॉफ्ट, और इस प्रकार से उनके गीत गाने की आवाज़ पूरे वातावरण में फैल रही होती है, उठ रही होती है, बोर्न अलॉफ्ट मतलब ऊँचा उठना, पूरे वातावरण में उनकी आवाज़ जो है फैल रही होती है संध्या काल के समय, किसी नदी के छिछले क्षेत्र से ये झिंगूर जब गाना शुरू करते हैं तो पूरा इनका कॉन्सर्ट चल रहा होता है वहाँ पर, है ना, एक इनका जो है वो एक इनका हाँ म्यूज़िक कॉन्सर्ट होता है ना, जैसे म्यूज़िक कॉन्सर्ट में एक सिंगर होता है और नीचे पब्लिक रहती है, ऑडियंस ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं, और वो रात के टाइम पे जब होता है तो वो मोबाइल की लाइट जला करके यूं कर रहे होते हैं, सुन रहा है ना तू, ठीक है, देखा हो ना वो म्यूज़िक, देखा होगा आपने, तो फिर वो तो गाता है सुन रहा है ना तू, फिर वो नीचे खड़े रहो, हाँ सुन रहे हैं हम, रो रहा है तू, ठीक है, सुन रहे हैं हमको आवाज़ आ रही है, रो रहा है तू, तो इस तरह से जो है वो सारे के सारे लोग जो है एंजॉय कर रहे होते हैं संध्या काल का समय। अब वो लोग जो है उनका अपना म्यूज़िक कॉन्सर्ट चल रहा होता है भाई, तो वो आवाज़ पूरे वातावरण में फैल रही होती है, और अपन सोचते हैं भाई ये क्या कीड़े मकोड़े जैसे रोनी धोनी से आवाज़ आ रही है, रोनी धोनी से आवाज़ नहीं होती भैया, वो उनका म्यूज़िक कॉन्सर्ट होता है, उनका म्यूज़िक कॉन्सर्ट चल रहा होता है, हाँ शाम के टाइम पे जो झिंगुर बोलते हैं ना वो उनका म्यूज़िक कॉन्सर्ट चल रहा होता है, अपन लोग गलत सोचते हैं, उनका म्यूज़िक कॉन्सर्ट शुरू होता है संध्या काल के समय, बढ़िया खाना पीना करके जो है आराम से वो म्यूज़िक कॉन्सर्ट शुरू करते हैं, बढ़िया एकदम, अपनी तरह इंसानों की तरह, मतलब अपनी क्या मतलब गर्ल्स की तरह, कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई पहले मेकअप करेंगे पहले ब्यूटी पार्लर जाएंगे, है ना, उनके तो आराम से कोई दिक्कत नहीं है, नाली में भी है तो नाली में ही सही पर 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 चल रहा है, वहीं पे शुरू हो जाते हैं, और आसपास कहीं अगर कहीं कुछ है अगर
केक वेक जहाँ पे पड़े रहते हैं वहाँ पे हैं, तो बस वहीं से शुरू हो जाते हैं। ठीक है, एक पौंड का केक, दो पौंड का केक, ठीक है, छोटा वाला, आधा पौंड का, या तीन पौंड का, पाँच पौंड का, तो वहाँ पे अगर बैठे हुए हैं तो वहीं पे शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सिचुएशन होती है। तो ये उनका, ये क्या है, ये झिंगुरों की आवाज़, ये ऑटम सीजन का म्यूज़िक है। वो कहते हैं ना कि भाई तुम्हारा, तुम्हारे भाई स्प्रिंग सीजन के सॉन्ग्स क्या हैं, अरे उसके बारे में मत सोचो, तुम्हारे पास तो तुम्हारा खुद का म्यूज़िक है। तो ये है ऑटम सीजन का म्यूज़िक। संध्या काल के समय जब रोजी ह्यू पूरे वातावरण में फैल रहा होता है, तो उस समय किसी नदी के छिछले क्षेत्र से बहुत ऊंची आवाज़ में दुख से भरा हुआ गीत, जब ये कीड़े मकोड़े जब गा रहे होते हैं, झिंगूर जब गा रहे होते हैं, तो ये तुम्हारा म्यूज़िक है ऑटम सीजन, इसके बारे में सोचो। आगे कहते हैं, और या फिर सिंकिंग एज द लाइट विंड लिव्स और डाइज, और ऐसे समय में, यानी इस तरह से संध्या काल के समय में, जब एज द लाइट विंड, जब हल्की हल्की हवा जो है चारों तरफ जो है वातावरण में चल रही होती है, हल्की हल्की हवा, कब, इस तरह से संध्या काल के समय में जब सनसेट हो रहा होता है, और जब किसी नदी के छिछले क्षेत्र में बहुत सारे कीड़े मकोड़े झिंगुर जो है इस प्रकार से दुख से भरा हुआ अपना गीत गा रहे होते हैं, और ऐसे समय में जब हल्की हल्की हवा पूरे वातावरण में बह रही होती है, चल रही होती है, फिर रुक जाती है, फिर चल रही होती है, फिर रुक जाती है, इस तरह से सिंकिंग, सिंकिंग का मतलब डूबना, इस तरह से जब सूर्यास्त हो रहा होता है, जब सनलाइट डूब रही होती है, जब सूरज डूब रहा होता है, और ऐसे समय में संध्या काल के समय जब हल्की हल्की हवा पूरे वातावरण में बह रही होती है, तो ऐसी कंडीशन में, ऐसे समय में, फ्रॉम हिली बोन, किसी पहाड़ी क्षेत्र की भूमि से, किसी पहाड़ी क्षेत्र की सीमा से, कोई फुल ग्रोन लैम्स, मेच्योर जो मेमने हैं, भेड़ के बच्चे, लाउड ब्लीड, जोर जोर से जो है मिमिया रहे होते हैं, मैं कर रहे होते हैं। तो संध्या काल के समय, कब, इस टाइम पे, जब सूरज की रोशनी समाप्त हो रही होती है, सूरज डूब रहा होता है, नदी के क्षेत्र में, छिछले क्षेत्र में झिंगूर जब गा रहे होते हैं, हल्की हल्की हवा जब बह रही होती है पूरे वातावरण में, तो ऐसी कंडीशन में, ऐसे समय में, किसी पहाड़ी क्षेत्र की सीमा से, फुल ग्रोन यानी कि मैच्योर भेड़ के बच्चे जो मेमने होते हैं, जब लाउड ब्लीड, जोर जोर से आवाज़ निकालना शुरू करते हैं, तो वो जो आवाज़ें हैं भेड़ के बच्चों की, ये तुम्हारा म्यूज़िक है ऑटम सीज़न, ये तुम्हारा म्यूज़िक है। झिंगुरों की आवाज़, ये तुम्हारा म्यूज़िक है। किसी हिली क्षेत्र से, पहाड़ी क्षेत्र से भेड़ के बच्चे जब ज़ोर ज़ोर से गीत गा रहे होते हैं, ये तुम्हारा म्यूज़िक है। और क्या क्या है तुम्हारा म्यूज़िक, देखो, हैज क्रिकेट सिंग, और इस प्रकार से संध्या काल के समय घास पर बैठ करके गुनगुनाने वाले, आवाज निकालने वाले छोटे छोटे जो घास के कीट पतंगे होते हैं, वो भी जो है संध्या काल के समय जब गीत गाना शुरू करते हैं, तो ये भी तुम्हारा म्यूजिक होता है। एंड नाउ विद ट्रेबल सॉफ्ट, और कैसे, बहुत तीखी आवाज में, इस टाइम पर बहुत ही तीखी आवाज में, कोमलता के साथ, बहुत तेज आवाज में, द रेड ब्रेस्ट, जो लाल छाती वाली जो चिड़िया होती है, विशल्स, वो चहचहा रही होती है फ्रॉम अ गार्डन क्रॉफ्ट, किसी गार्डन के प्रांगण से, किसी बगीचे के प्रांगण से, इस समय पर संध्या काल के समय लाल छाती वाली जब कोई चिड़िया, लाल छाती वाला जब कोई पक्षी जब गीत गुनगुना रहा होता है, जब चहचहा रहा होता है, तो ये तुम्हारा म्यूजिक है ऑटम सीजन। और तुम्हारा म्यूजिक क्या है, एंड गैदरिंग स्वालोज, और संध्या काल के इस समय में ही काफ़ी सारी अबाबील चिड़ियाएँ जब इकट्ठा होकर के आकाश में उड़ कर के जब चहचहा रही होती है एक समूह में, एक झुंड में, तो ये भी तुम्हारा म्यूजिक है ऑटम सीजन, ये भी तुम्हारा म्यूजिक है। तो क्या क्या हो गए ऑटम सीजन के म्यूजिक, सबसे पहले तो झिंगूरों की आवाज़ जो नदी के छिछले क्षेत्र से आ रही होती है, नंबर टू मेमनों की आवाज़ जो पहाड़ी क्षेत्र से आ रही होती है, और उसके बाद में कीट पतंगों की आवाज़ जो घास के ऊपर बैठे हुए रहते हैं, और उसके बाद में लाल छाती वाली चिड़िया जो किसी गार्डन से जो है उसकी आवाज़ आ रही होती है, और ऊपर आकाश में समूह में उड़ती हुई बहुत सारी अबाबील चिड़ियाएँ जो उड़ते हुए चहचहा रही होती है समूह में, ये है तुम्हारा म्यूज़िक। ओ ऑटम सीजन, तुम स्प्रिंग सीजन के म्यूजिक के बारे में क्यों सोचती हो, तुम्हारे पास तो तुम्हारा अपना खुद का म्यूजिक है, उसके बारे में सोचो, गीत गुनगुनाओ। ये है दोस्तों आपकी पोएम ऑटम सीजन
समाप्त।